चलिए डीएफए पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन को मैं यहां पर सॉल्व करता हूं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट मिनिमल डीएफए सिग्मा इक्वल टू 0.1 एंड लेंथ ऑफ ऑल बाइनरी स्ट्रिंग्स, फर्स्ट पार्ट इज डिविजिबल बाय 2, सेकेंड पार्ट इज डिविजिबल बाय 3। यहां पर हमें बाइनरी स्ट्रिंग को लेकर चलना है, ऑल बाइनरी स्ट्रिंग्स डिविजिबल बाय 2 एंड डिविजिबल बाय 3। यहां पर गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि हम जनरली जानते हैं और जनरली हम जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो देखने को ये मिला है कि नंबर ऑफ जीरोस इज डिविजिबल बाय 2, नंबर ऑफ जीरोस इज डिविजिबल बाय 3। तो हम क्या काम करते हैं, क्यू जीरो स्टेट पे है, हमें पता है कि वहां पे एप्सिलॉन आएगा 2 के लिए, 2 वाले केस के लिए, उसको हम फाइनल स्टेट बना देंगे। हम वहां से गए Q1 पे और एक जीरो हमने यहां पे लगा दिया और बोलेंगे सर हमारा आंसर तो सही है, Q0 से हम Q1 पे गए, एक जीरो वहां पे एक्सेप्ट हुआ और Q1 से हम वापस Q0 पे आए, एक जीरो यहां पे एक्सेप्ट हुआ और बाकी हम Q0 और Q1 पे 1 और 1 का सेल्फ प्रूफ लगा देंगे, हमारा आंसर सही होगा। और डिविजिबल बाय 3 के केस में हम करेंगे Q0 Q1 Q2, हम वापस Q0 को फाइनल स्टेट बना लेंगे जो कि हमारा इनिशियल स्टेट है। Q0 से Q1 पे गए, हम जीरो का ट्रांजिशन कर दिए, Q1 से Q2 पे जीरो का कट कर दिए, Q2 से हम Q3 पे जीरो का ट्रांजिशन कर दिए और Q0, Q1, Q2 पे हम 1, 1, 1 का सेल्फ प्रूफ लगा देंगे और बोलेंगे सर हमारा आंसर सही है। नहीं, हमारा आंसर वहां पे सही नहीं है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आप देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ ऑल बाइनरी स्ट्रिंग्स, हमें यहां पे बाइनरी स्ट्रिंग को लेके चलना है जो कि मेरा डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए और डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। तो अगर बाइनरी स्ट्रिंग की हम बात करें तो बाइनरी नंबर तो हम जानते हैं, डेट इज 0 एंड 1, और बाइनरी स्ट्रिंग जो हम यहाँ पे एक इनपुट अल्फाबेट यूज कर रहे हैं 0.1 का, इसी का यूज करके हमें लेंथ की बात करनी है। यहाँ पे हमें लेंथ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लेंथ 2 की बात करें, लेंथ 3 की बात करें, लेंथ 4 की बात करें, 0 एंड 1 दोनों को कंबाइन करके, तो अगर हमारा स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्ट होगा डिविजिबल बाय 2 के केस में, तब हम बोलेंगे कि यस दिस डीएफए इज करेक्ट, ठीक है, अदरवाइज हमारा आंसर वहां पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं 2 लेंथ की बात करूं, 2 लेंथ के केस में क्या हो जाएगा, जिस तरह से हम जानते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा मेरा 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो जाएगा 3। उसके बाद ये तो मेरा 2 लेंथ की स्ट्रिंग है, अब यहां पर अगर मैं इसको 3 लेंथ की स्ट्रिंग बना दूं तो आप एक 0 और लगा दीजिए, बन गई 3 लेंथ की स्ट्रिंग 0 0 0। अब इसको हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं, 1 0 0, ये हो गया मेरा 4, देन 101 इज 5, देन 110 इज 6, उसके बाद 111 इज 7, ये टोटल हो गई हमारी 3 लेंथ की स्ट्रिंग। अब यहां पर अगर हम इसको 4 लेंथ की स्ट्रिंग बनाएं, 4 लेंथ की अगर हम स्ट्रिंग बना चाहें तो किस तरह से बना सकते हैं, एक 0 आप और लगा दीजिए यहां पे, ओके यहां पे हमने 0 लगा दिया, 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको एक्सटेंड करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं, 1 0 0 0, दैट इज 8, उसके बाद 1 0 0 1 इज 9, देन 1 0 1 0 इज 10, उसके बाद 1 0 1 1 इज 11, देन 1 1 0 0 इज 12, 1 1 0 1 इज 13, 1 1 1 0 इज 14, एंड 1 1 1 1 इज 15। ये हमारी 4th लेंथ की स्ट्रिंग हो गई। उसके बाद अगर हम इसको 5 लेंथ की स्ट्रिंग बनानी है, आप एक और 0 ऐड कर दीजिए और उस लेंथ को आप एक्सटेंड यहां से कर देंगे 15 के बाद 16 17 18, इस तरह से हमारी स्ट्रिंग चलती जाएगी। तो ये हमने बात किया बाइनरी स्ट्रिंग की जो कि हमारा 0 एंड 1 के फॉर्म में है। अब यहां पे जो जो नंबर डिविजिबल बाय 2 हो रहे हैं और डिविजिबल बाय 3 हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें फाइनल डीएफए तैयार करना है, इसलिए मैंने आपको ये चीज बताया। और ये चीज आपको पता है ना, डिजिटल लॉजिक वाले सब्जेक्ट में हम इस चीज को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये चीज हमें पता है। तो चलिए हम यहां पर डीएफए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिविजिबल बाय 2, तो यहां पे डिविजिबल बाय 2 के केस में कौन कौन से लेंथ पॉसिबल है, आप देखिए सबसे पहले तो 0 पॉसिबल हो जाएगा, देन 2, उसके बाद 4 6 8 10, ये सारे स्ट्रिंग यहां पे पॉसिबल है। तो यहां पर अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, दैट इज डिविजिबल बाय 2, तो उस केस में Q0 जो मेरा इनिशियल स्टेट है वही हो जाएगा मेरा यहां पर फाइनल स्टेट, क्योंकि यहां पर 0 भी एक्सेप्ट हो रही है, मींस एप्सिलॉन। उसके बाद Q0 से हम गए Q1 पे, अब यहां पे स्टार्टिंग में Q0 की अगर हम बात कर रहे हैं तो Q0 पे 0 हमारा एक्सेप्ट हो रहा है, तो किसके केस में हो रहा है, 0 0 0 0 इस केस में हो रहा है, तो यहां पे 0 का सेल्फ लूप आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम 2 की बात करें, 0 0 1 0, ये स्ट्रिंग हमारी यहां पे एक्सेप्ट हो गई, तो 0 0 1 हमें 1 लेंथ के लिए चाहिए, तो 1 पे हम Q0 से Q1 हमें एक 1 मिल गया, ठीक है। इस 1 के बाद
एक जीरो और चाहिए स्ट्रिंग को एक्सेप्ट होने के लिए, तो ठीक है भाई आप वापिस इसको जीरो पे भेज दीजिए, मीन्स क्यू जीरो पे हमने भेज दिया तो यहाँ पे ये मिल गई जीरो, हमारे स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्ट हो गई। ओके, देन टू के बाद अगर हम फोर की बात करें, जीरो वन जीरो जीरो, तो जीरो वन जीरो जीरो हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई। देन फोर के बाद सिक्स की बात करें, जीरो वन वन जीरो, ओके तो जीरो वन एक वन और चाहिए, तो वहीं यहां पे आप वन का सेल्फ लूप लगा लो, सिंपल वन का सेल्फ लूप लगा दें और फाइनल जीरो हमारी स्ट्रिंग सिक्स के लिए जीरो वन वन जीरो हमारे यहां पे एक्सेप्ट हो गई। देन एट की हम बात करें तो वन फॉलोड बाई ट्रिपल जीरो, तो वन जीरो 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 एक्सेप्ट। टेन की बात करें, वन जीरो वन जीरो, वन जीरो वन जीरो स्ट्रिंग एक्सेप्ट। देन उसके बाद हम ट्वेल्व की बात करें, वन वन जीरो जीरो, वन वन जीरो जीरो स्ट्रिंग एक्सेप्ट। तो फाइनल डी एफ ए जो हमारा बनेगा डिविजिबल बाई टू के केस में यहाँ पे कुछ इस टाइप से बनेगा। अब यहाँ पर अगर मैं नंबर ऑफ स्टेट्स की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने आ रहे हैं, वन एंड टू, दैट इज टू। ओके, तो ये हमारा बन गया बाइनरी स्ट्रिंग के केस में डिविजिबल बाई टू, उसके अकॉर्डिंग कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, क्यू जीरो पे जीरो का ट्रांजिशन हो चुका है, वन का हो चुका है, क्यू वन पर जीरो का हो चुका है, वन पे हो चुका है, तो ये हमारा कंप्लीट डी एफ ए हो गया। चलिए हम बात करते हैं डिविजिबल बाई थ्री के लिए, तो सेकेंड दैट इज डिविजिबल बाई थ्री। अब डिविजिबल बाई थ्री के केस में कौन कौन से स्ट्रिंग पॉसिबल हो जाएगी, फर्स्ट इज जीरो, क्यू जीरो, ठीक है, जीरो की हम बात करें, मीन्स अगर आप एप्सिलॉन की बात करो तो इनिशियल स्टेट ही मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल स्टेट। तो क्यू जीरो की हम बात करें, सबसे पहले क्यू जीरो इनिशियल से हमने फाइनल बना दिया, यहां पे क्या एक्सेप्ट होगा, जीरो कितने बार भी जीरो आए ये हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा, तो यहां पे हम जीरो का सेल्फ लूप लगा लेते हैं। उसके बाद जीरो के बाद डायरेक्ट थ्री, मीन्स जीरो जीरो वन वन, तो जीरो जीरो वन की हम बात करें तो क्यू जीरो से हम गए कहां पर, क्यू वन स्टेट पर, यहां पे हमें क्या मिल गया, वन, उसके बाद एक और वन और चाहिए, तो वन के लिए हम क्या करेंगे, क्यू वन से वापस यहां पे भेज देंगे। ओके, हमारी स्ट्रिंग यहां पे एक्सेप्ट हो गई। फिर थ्री को हमने चेक कर लिया यहां पर, उसके बाद हम सिक्स को चेक करते हैं, क्योंकि सिक्स भी मेरा डिविजिबल बाई थ्री है, तो सिक्स केस में क्या है, जीरो वन वन जीरो, ओके तो जीरो वन वन जीरो स्ट्रिंग एक्सेप्ट। सिक्स के बाद हम चेक करते हैं यहां पर डायरेक्ट नाइन को, नाइन इज डिविजिबल बाई थ्री, ओके, लेकिन नाइन के केस में कौन कौन से यहां पर बाइनरी स्ट्रिंग पॉसिबल है, वन जीरो जीरो वन, ओके तो क्यू जीरो से क्यू वन पे हमें वन मिला, उसके बाद हमें जीरो चाहिए, और वैसे भी क्यू वन पे आप देखिए वन का ट्रांजिशन हो चुका है, जीरो का ट्रांजिशन नहीं हुआ है, तो क्यू वन पर अगर हमें जीरो चाहिए तो क्यू वन से हम गए कहां पर, क्यू टू स्टेट पर, और यहां पे एक जीरो हमें मिल गया। देन वन जीरो जीरो वन, वन जीरो, ठीक है, उसके बाद क्यू टू से हम वापिस कहां पे आएंगे, क्यू वन पे आएंगे, जीरो, और यहां पे वापिस क्यू वन से वापिस आए क्यू जीरो स्टेट पे, यहां पे हमें वन मिल गया। तो यहां पे आप नाइन के केस में देखिए, वन जीरो जीरो वन, वन जीरो जीरो वन स्ट्रिंग एक्सेप्ट। देन नाइन के बाद हम ट्वेल्व की अगर बात करें, वन वन जीरो जीरो, तो वन वन जीरो जीरो स्ट्रिंग एक्सेप्ट। उसके बाद ट्वेल्व के बाद फिफ्टीन की बात करें, वन 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 वन, वन 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 स्ट्रिंग एक्सेप्ट। ओके, तो यहां पे हमने 15 के लिए भी चेक कर लिया, वन 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 वन, फिफ्टीन भी हमारी यहां पे एक्सेप्ट हो गई। उसके बाद यहां पे अगर कुछ छूट रहा है चेक कर लीजिए आप, क्यू जीरो पे जीरो का ट्रांजिशन हो चुका है, वन का ट्रांजिशन हो चुका है, क्यू वन पे जीरो का ट्रांजिशन हो चुका है, क्यू वन पे वन का ट्रांजिशन हो चुका है, क्यू टू पर जीरो का ट्रांजिशन तो हो गया है, वन का ट्रांजिशन नहीं हुआ था, तो वन की अगर हम बात करें तो यहां पे आप वन का सेल्फ लूप लगा दीजिए, वन, क्योंकि इस जीरो के बाद अगर वन आए, अगर हमारी स्ट्रिंग इस फोर्थ लेंथ से ज्यादा होगी तो वहां पे आपको बीच में कहीं ना कहीं वन देखने को मिलेगा, ठीक है, तो अगर वन आएगा तो हम Q2 पे उसका सेल्फ लूप लगा देंगे। अब ये हमारा कंप्लीट डीएफए बन गया, Q0 पे जीरो का ट्रांजिशन, वन का, Q1 पे जीरो का, वन का, देन Q2 पे वन का ट्रांजिशन हो चुका है, जीरो का भी ट्रांजिशन हो चुका है, तो ये हमारा कंप्लीट डीएफए बन गया फॉर ऑल बाइनरी स्ट्रिंग्स डिविजिबल बाई थ्री के लिए। अब यहां पे हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, कितने टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स यहां पर पॉसिबल है, तो हम चेक कर लेते हैं वन टू एंड थ्री, तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितने आएंगे, दैट इज थ्री, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में डीएफएस रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊंगा। थैंक यू।